So hey guys, welcome back to our channel. I'm Numan. I'm Gloria. So guys, आज हम reacting करने वाले हैं trending Instagram पे. इसके ऊपर तो काफी मजे की वीडियो इन्होंने बड़े-बड़े गुलास से दूर देखने को यार दरी वीडियो. Start करते हैं. अभी कितना time लगेगा घर आने में? अभी तो मैं घर से बाहर आया हूँ. कम से कम एक घंटा लगेगा. पापा आ गए? Gate खोलो. मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली. And the award for TikTok Juno fan choice goes to Karan Aujla. Aage hip te clip mein bhi hamare sen ka main ye bahut aayi Punjabi industry mein first tha mere ghar se yahan aur bhi topic ko milega par ye bahut viral gaya. पहली बार मैं आया, पहली बार हिस्ट्री क्रिएट हो गई भाई. हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हिस्ट्री क्रिएट हो रही है. 262 रन चेंज हुए भाई. मैच देखने के लिए रफ्तार भाई, व्हाट्स अप? मेरे साथ है नीरज गोयल भाई, इंडिया नंबर वन बॉक्सर. रफ्तार भाई, अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं. करोगे आप बॉक्सिंग? करोगे? कौन है मेरा ओपोनेंट? अभी मैं कॉल करके देखता हूँ भाई. हनी सिंह का नंबर होगा आपके पास? और उसके बाद जब मैं गायब हुआ तो काफी सारे नए लड़के आए, उन्होंने उसी स्टाइल को अपनाया और गाया, और वो भी मुझसे ज्यादा कामयाब भी हुए, कुछ मुझसे कम कामयाब हुए. मेरे जैसा कोई नहीं बन पाया. नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है. तो क्यों नहीं कर लेती आप शादी? आप तैयार नहीं होते ना इसलिए. आप तैयार हो जो तो हम कल ही शादी कर लेंगे. कबूल है, कबूल है, कबूल है. आपको इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तैयार नहीं होता. मैं ही आईना हूँ. वसूल तो तुम्हें एक ही है, उसे आपके हवाले करने का, मतलब खुद को आपके हवाले करना. और अगर मैंने ऐसा किया, या तो मैं आपका गुलाम हूँ या फिर वैश्य. तो जो आपको चाहिए जनाब, वो आपको नहीं मिल सकता. देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं. वैश्यागिरी में कैसे हो सकते हैं आप? सेनेटर है, कम ऑन भाई. टोनी स्टार्क भाई, कमाल का जोड़ा बना है. टू आई सी और कमाल फॉर यू दे उत्ते मैंने सब तो बड़ा डाउट पता किड़े गाने थे सी. हां, 52 बार्स. व्हाट? तेरा सब तो बड़ा चला भाई. क्या 52 मिलियन है सब? लिरिक्स नहीं थी, रियलिटी थी. बहुत सही, बहुत अच्छा लग रहा है. प्रतीक जिस स्कूल में जाता था, कोशिश ये करता था मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ. प्रतीक, स्कूल में क्या चीज थी जो आपको तंग कर रही थी? सर, पढ़ाई. जहेज के बारे में आपकी क्या राय है? केक लानत है ये. जी हम तो ऐसा नहीं सोचते. आप शौक से ये लानत हमें दे दें. अच्छा, तो लानत हो आप पर. ये बहुत महंगे थे कि बहुत महंगे थे पर आप सस्ते में नहीं आए. कई बार किसी किसी के सामने ना आप अपने आप को हल्का आग देते हैं कि बहुत महंगे थे पर आप सस्ते में नहीं आएंगे. जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं. पड़ोसन आपकी इतनी सुंदर हो, आदमी रोज चीनी लेने जाए. और खाली हाथ लौट आए उमा जी. क्यों? वो खाली हाथ इसलिए लौटा ना, जिन बर्तनों में लानी होती वो तो ये पहन के घूम रही होती. सर, क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार. गुलशन जी? हाँ, गुलशन जी, आप मोहिनी जी को जानते हैं? ये जो बगल में बैठे हैं आप. बगल में बैठने का मतलब जानना थोड़ी होता है. और अभी तो रुको, सभी बाकी में तो ये भी बैठे हैं. ये आपके साथ आए? हाँ, 35 साल से मेरे साथ है. आप बड़े प्यारे हैं सर जी. आपका नाम क्या है? वही पहले वाला जो बताया था. हैवी भाई, हैवी एंकर है. दिल टूटने पर आप क्या करते? मैं दिल टूटा नहीं सर. कई इसी क्लिप को उठा के तो नहीं ये गाना बनाया था? उसके बाद तो क्लिप आई. इस लड़के ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए बहुत गलत से. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. बस हम कहना तो चाहते हैं काफी कुछ, पर तेरी बुराई नहीं होती. लिखता हूँ ज्यादा आजकल, तेरे बारे पर पढ़ाई नहीं होती.
जो जख्म उनकी दवाई नहीं होती, लाखों कमाए पर साथ में तू ना तो लगता कि मेरी कमाई नहीं होती। काश तू आई नहीं होती तो बैठा होता मैं सुकून से कहीं न खोता, मैं जीने का मकसद और दिन के उजाले में रोशनी ढूंढते नहीं। भोलू ये बचपन में आता होता, ये दिन में अपने जेब के लिए जीता था पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे मैं सबूत है गवाह बया ये तो मर्डर है। क्या कैसी कैसी है तू याद कर इसको ना बचपन में नींद में बोलने की आदत थी। मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये जाग गया है कि ये सो रहा है। एक दिन ना एक मुझे याद है मैं रात को सोने जा रहा हूँ, ये मुझसे तो आधा पौना घंटा पहले सो गया तो ये गहरी नींद में जा चुका और मैं सोने जा रहा हूँ तो अचानक से इसने ऐसे उठाए और ऐसे चद्दर पलटी और कह रहा है चेक करना। भैया है कहता है पेपर कंप्लीट हो गया है चेक कर ले। और मैं आंखें खोल के बात करता था तब तक मुझे समझ में आ गया कि इसको ना यू कांट जोल्ट हिम आउट ऑफ इट, नहीं तो ये थोड़ा सा बौखला जाएगा, तो इसके साथ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती थी। अच्छा तो मैं बैठ के कर रहा हूँ, मैंने कहा हाथ चेक कर लिया बहुत बढ़िया भाई तूने 100 में से 100 कर लिया सो जा। तो विराट कोहली सर का आपको डीएम आया था? हाँ जी भैया। 10 साल लग गए मुझे पिछले साल जाके फॉलो किया उन्होंने मेरे को और भाई मैं हफ्ता नहीं सोया उसके बाद माँ की कसम। विराट कोहली ने भाई ब्रांड है ब्रांड। नाइस यार कमाल की वीडियो थी यार, काफी फनी वीडियोस भी थी, शायरी वाली वीडियोस भी थी, तो रोस्टिंग तो छोड़ ही दो भाई, रोस्टिंग का तो लेवल ही कोई नहीं है यार। सही बात है यार, बहुत अच्छी वीडियोस थी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए टेक केयर।